हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही से प्यारे से भजन का नोटेशन बता रहा हूँ, जो बहुत ही पुराना भजन है और उसे पंकज मलिक साहब ने गाया है। तेरे मंदिर काहूँ दीपक जल रहा, ठीक है। इसका पार्ट वन में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और ये हमारा पार्ट टू है इसका। पार्ट वन में मैंने स्थाई बताया था और एक अंतरा बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको सेकंड अंतरा बताऊंगा, ठीक है। तो जिस प्रकार आपने पार्ट वन को प्रैक्टिस किया, ठीक उसी प्रकार इसको भी प्रैक्टिस करना है, खूब मेहनत करनी है, ताकि आप अच्छे से इस गीत को बजा पाएं और साथ में गा पाएं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अंतरा हमारा हमारा जो स्थाई था वो यहीं पे खत्म हुआ था। तेरे मंदिर का दीपक जल रहा, यहाँ पे हमारा स्थाई खत्म हुआ था। उसके बाद में एक छोटा सा म्यूजिक आएगा, ये बहुत ही छोटा म्यूजिक है, नी धा धा पा गामा पा धा। म्यूजिक में शुरू में आपको लेना है अलग अलग, नी धा पा, सॉरी नी धा धा पा गामा पा धा गामा पा धा, ये एक साथ लेना है और ये चारों स्वर अलग अलग लेने हैं, ठीक है। नी धा धा पा गामा पा धा, और उसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है सेकेंड अंतरा। सेकेंड अंतरा किस प्रकार है आइए देखते हैं। एक झलक मुझको दिखा दे सांवरे सांवरे, ये अंतरा की हमारी फर्स्ट लाइन है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन का सरगम देखेंगे, उसके बाद सेकेंड लाइन पे जाएंगे, ठीक है। एक झलक, एक सबसे पहले ई क नी पा, एक झलक एक झलक नी पा, एक नी पा झलक नी गा सा, यहाँ पे नी कोमल लग रहा है और वो भी मंद्र का नी है, और ये कोमल गा, नी गा सा झलक झलक मुझको गा 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 मुझको गा 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 दिखा दे दिखा दे गा मा मा गा मा, यहाँ पे कोमल गा शुद्ध मा तीव्र मा कोमल गा और मा दिखा दे, इसमें हमारा ये सरगम लगेगा। दिखा दे गामा मा गामा सांवरे सांवरे सा सांवरे सांवरे, ये हमारा इस प्रकार आएगा। तो इसका सरगम क्या होगा, सांवरे मा मा गा गा मा मा नी सॉरी मा मा गा गा मा मा, नी धा मा नी धा मा, कोमल नी कोमल धा और मा। फिर से देखें इस फ्रेज को, सांवरे मा मा गा गा मा म
मा नी धा मा। और सेकंड में जो सांवरे आएगा सांवरे, सांवरे वहां पे दो बार होता है, तो पहला सांवरे ये हो गया पूरा और दूसरा सांवरे मा मा गा गा सांवरे मा मा गा गा। तो इस प्रकार हमारी ये अंतरा की फर्स्ट लाइन आएगी। अब आइए सेकंड लाइन देखते हैं। मुझको ले चल तू गदम की छाव रे छाव रे, मुझको ले चल तू गदम की छाव रे। अब आइए इसको देखते हैं। मुझको धा 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 ले चल ले चल धा धानी पा ले चल धा धानी पा तू गदुम तू गदुम पा पानी नीमा तू गदुम पा पानी नीमा तू गदुम पा पानी नीमा तू गदुम की पा पानी नीमा मा छाव छाव रे छाव रे मा धा छाव रे पा मा पा रे छाव रे रे मा धा पा मा पा। और उसके बाद छाव रे साव रे छाव रे छाव रे। इतना गाने के बाद फिर उसके बाद में जो फ्रेज आएगा वो होगा साव रे सा रे मा मा गा साव रे सा रे मा मा गा। तो ये हुई हमारी अंतरा की दो लाइन। अब आइए तीसरी लाइन देखते हैं। और चलिया ये हमारी तीसरी लाइन होगी। और चलिया निधा नी निधा नी रे सा निधा और निधा चली चलिया नी निधा आ आ नी रे सा निधा और चलिया आ। और इसके बाद में फिर हमारा ये शुरू होगा। और चलिया क्यों मुझे तू और चलिया और चलिया निधा नी निधा क्यों मुझे तू क्यों मुझे तू क्यों मुझे तू मेरे सानी धा धा क्यों मुझे तू मेरे सानी धा धा चल रहा चल रहा सॉरी चल रहा धा 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 नी धा पा चल रहा आग जी जीवन
सामा जीवन में आग सामा जीवन मारे मैं मपधा धा मैं मपधा धा आग जीवन में भर कर पामा मागा भर कर पामा मागा जल रहा जल जल रहा गपा पामा मापा पागा जल जल रहा गपा पामा मापा पागा। और उसके बाद में फिर हमारी फर्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी तेरे तेरे मंदिर का हूँ दीपक जल रहा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सेकेंड अंतरा आएगा। तो आपने फर्स्ट अंतरा अगर तैयार कर लिया है तो अब आपको सेकेंड अंतरा तैयार करना है और दोनों अंतरा को अच्छे से तैयार करके और उसको बराबर रिपीट करते रहना है, ताकि क्योंकि इसको जब आप बहुत बार बजाएंगे तभी ये अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट होगा। ठीक है, और लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप विधिवत सीखना चाहते हैं, किसी भी गीत को हारमोनियम पे बजाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी और विधिवत सीखना होगा। ठीक है, तो अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करें और विधिवत सीखें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही सीख सकते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें जब ही पता चलेंगी जब आप सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।